साथियों, तो आज हम पहुंचे हैं मानव निर्मित झील, हमारी जैसलमेर सबसे सुप्रसिद्ध झील है। बड़ा ही आनंद महसूस होता है यहाँ आते, तो हमारे राजा महाराजाओं की कितनी लंबी सोच थी इस झील को निर्माण कराने के पीछे। आज देखें, पूरे उदयपुर की हमारी ये लाइफलाइन है, पूरे उदयपुर को पानी पिलाने वाली एकमात्र ये सबसे बड़ी झील है। काफ़ी सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं, गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं, अलग अलग देश और विदेश से भी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। इसकी सुंदरता अद्भुत है। एशिया की हमारे सबसे सुंदर और मानव निर्मित झील है ये। पूरे उदयपुर में सबसे बड़ी झील कही जाती है ये। जयसमंद इसका नाम है, राजा जयसिंह जी के कार्यकाल में झील का निर्माण कराया गया था। जय उदयपुर, जय मेवाड़। ये सुंदर जैसमंद का सुंदर दृश्य है। मानव निर्मित झील जैसमंद झील सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध, इसकी झील की अपनी ही पहचान, अनोखी पहचान है। महाराजा मेवाड़ के महाराजा महाराणा हमारे जयसिंह जी के कार्यकाल में झील का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर मंदिर, हाथियों की प्रतिमा, नाव, बोटिंग सभी यहाँ पर उपलब्ध है। खूब भारी संख्या में सैलानी इस दृश्य झील को देखने के लिए आते हैं। दृश्य पानी ही पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। और देखें, सुगना बैठी हुई है। आज मानव निर्मित हमारी सुंदर झील जयसमंद पर आने का मौका मिला है। सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ पे देख रहे हैं आप, पीछे देखिए, मनभावक दृश्य है। खूब सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, इस झील को देखने के लिए आते हैं। देखें वो नाव कितनी लंबी दूरी तक जारी है। मेरे कैमरामैन से भी कहूँगा वो दिखाए नाव कितनी दूर दूर तक चली गई है। और यहाँ बोटिंग का पूरा आनंद उठाया जा सकता है। वापिस ले बोटी। हाँ, तो ये है जयसमंद का खूबसूरत सुंदर पानी। आपने देखा मेरे पीछे, देख रहे हैं खूब सैलानी दिखाई दे रहे होंगे आपको, मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर देख रहे हैं रूठी रानी का महल दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग मेवाड़ के महाराजाओं ने अलग अलग अपनी रानियों की याद में और इस सुंदर झील का निर्माण में अलग अलग दृश्य आपको यहाँ देखने को, मंदिर देखने को यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर घाट जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे, हाथी की प्रतिमा यहाँ देखने को मिलेगी। सभी जो ये जितनी भी प्राचीन चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत ही अच्छी है। राजा महाराजाओं ने उस समय भी गेज और नापतोल का इतना बहुत बड़ा ज्ञान था कि ये झील कैसे भरेगी, कैसे पता लगेगा, तो हाथियों की प्रतिमा लगाई गई है। हाथियों की प्रतिमा से पता लग जाता, पैरों तक पानी आता था, तो झील पूरी भरी हुई जो है पता लग जाता है। उस समय भी नापतोल का कितना उनको ज्ञान था, कितना अनुभव था, आप देख सकते हैं। ये बिना सीमेंट से बनी हुई पूरी झील है, कोई सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। और चूने से उस जमाने में चूने और धातु और ऐसे ऐसी सामग्री मिश्रण करके इनको बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे बंदर वाटी, बहुत ही अच्छा लगता है। समय समय पर हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। झील का सुंदर, जब झील भरी हुई थी तब हमने आपको दिखाई थी कितना खूबसूरत यहाँ का दृश्य था। हमने सर्दियों के मौसम में भी आपको दिखाया, सर्दी में कितनी बढ़िया यहाँ पे हवाएं चल रही थी, खूब यहाँ पर आनंद किया हमने। और आज जो है थोड़ा थोड़ी गर्मी चलने लगी, सर्दी का जो है मौसम वो धीरे धीरे अब ख़त्म हुआ है और अब एक गर्मी की शुरुआत हुई। तो जैसे जैसे गर्मी की शुरुआत होगी वैसे वैसे अब झील की सुंदरता भी बढ़ेगी, पर्यटक भी यहाँ आना बढ़ेगा और एक अच्छा दृश्य हमको देखने को मिलेगा। तो मेवाड़ की इस धरती पर यह सबसे सुंदर सबसे सुप्रसिद्ध झील है। महाराणा जयसिंह जी के कार्यकाल में इस झील का निर्माण कराया गया था। विभिन्न विभिन्न गांवों से यहां पे मजदूरों को बुलाया गया था, भारी संख्या में ये झील का निर्माण के लिए आमंत्रित किया था। आज भी हम देखने के लिए आए, काफ़ी सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं, मछलियों का देखने का आनंद पूरा लेते हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ इसके अंदर, छोटी छोटी, इसका अद्भुत उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। Thank you.
जैसलमेर हमने आपको पूरा दिखाया, हमारी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा और इसमें भी आप खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं भाई। आज का आधुनिक ज़माना है, आधुनिक ज़माने का पूरा उपयोग करना चाहिए। मोबाइल हमारे जेब में है, जहाँ भी जाते हैं खूबसूरत खूबसूरत आपको दृश्य दिखाते हैं। धीरे धीरे सर्दी ख़त्म हुई और गर्मी ने दी दस्तक, तो अब गर्मी आने के बाद अब लोग कह रहे थे ठंड अच्छी थी, ठंड आती है तो लोग कहते हैं गर्मी अच्छी है। तो अब चलते हैं हमारे गांव, खूबसूरत दृश्य आपने देखा, जैसलमेर को दिखाया हमने। खूब सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं जैसलमेर की सबसे सुंदर प्रसिद्ध झील को देखने के लिए आते हैं। देखिए बंदरों का खेलना, मनोरंजन पूरा आनंद है यहाँ पे। फोटो हो सेल्फी हो सभी का आनंद रहते हैं। देखें बड़े भाई अपनी बोतल के सारे फोटो खींच रहे हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। तो मेवाड़ के महाराणा जी महाराणा की जय हो, राजा राज सिंह जी की जय हो, हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जय हो, सज्जन सिंह जी की जय हो, जय सिंह जी की जय हो, जिन्होंने सुंदर सुंदर झीलें बनवाकर हमारे मेवाड़ को अद्भुत किया है। यहाँ बंदर इंसान सब साथ में देखे सब। तो अब चलते हैं आगे की ओर, तो घूमने का पूरा एंजॉय और आनंद ले रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप लेते हैं सबसे अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी झील पे फिर आनंद एक बार फिर पहुंचे हैं दोनों हम। तो देखो तो खूबसूरत खूबसूरत दृश्य है जैसलमेर का, हमारी एशिया की सबसे सुंदर मानव निर्मित झील पे आज फिर एक बार वो जा रही है सामने नाव। बहुत शांत नाव में बैठने का जो ठेट वहाँ तक होटल तक ले जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने कहा नहीं भाई हम यहीं घूम लेते हैं। तो चलिए पीछे देखे महादेव जी का मंदिर और ऊपर जो है रूठी नानी का महल। तो एशिया की सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध हमारी जैसलमेर झील है, ये सबसे बड़ी झील है और उदयपुर की पूरी जल आपूर्ति करने वाली भी एकमात्र झील है ये। हालांकि सभी झीलों से पानी आता है लेकिन इस झील से सबसे ज़्यादा पानी लिया जाता है, बहुत बड़ी है और गहरी भी बहुत है। काफ़ी सैलानी घूमने के लिए आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत दृश्य देखने के लिए हमारे राजा महाराजाओं द्वारा ये मानव निर्मित झील जैसलमेर झील। घूमते घूमते हम याद पहुँचे हैं नाव में, नींद आ रही है। अरे ये वो कोई बात हुई, जैसलमेर की लहरों पे कोई नींद आती है? और हमारे जय जय कुमकुम कहाँ भी हो उनको बाय हाय। ओहो जय और कुमकुम दोनों को। तो खूबसूरत दृश्य है जैसलमेर झील का, ये सुंदर दृश्य जिसे आप देख रहे थे। इस झील से कई सुने कई दृश्य है जो आज भी इस झील को देखने के बाद एक एक शब्द बयां करते हैं, एक एक पत्थर अपनी दास्तान बता रहा है, इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हैं आज भी हमें सुनने को मिलती है कि यहाँ पे ओड़ समाज का भी बहुत बड़ा योगदान था,
सती माता जसमा माता जी इस झील का उल्लेख मिलता भी है, बताते भी हैं कि कभी और कबीले यहाँ पर आके काम किया करते थे, लाखों की संख्या में और कबीलों ने यहाँ पे बहुत मेहनत करके खुदाई और मिट्टी भराई का काम उनके द्वारा ही किया गया था। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे पूर्वजों द्वारा इस तरह की इतिहास हमें देखने को मिलता है, तो हमें अच्छा लगता है। और इस जयसमंद पे आकर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने घर परिवार में आ गए हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही परिश्रम और त्याग और बलिदान देकर इस मिट्टी हेतु किस तरह से जो है मलबा यहाँ तक मिट्टी लेके आए होंगे, इस इतने बड़े टीले को बनाना, करीब करीब देखें ये भी राजसमंद से भी लंबी झील है और करीब करीब देखा जाए तो 500 फीट से भी ज़्यादा इसकी भराई की होगी। तो जयसमंद की इस भराई में काफ़ी समय भी लगा होगा। तो कहते हैं कि 900,000 गधे और 9 इतने ही परिवार और परिवार के द्वारा यहाँ पर मिट्टी का लेबर का काम करके इस झील में काफ़ी योगदान दिया था। और समाज का इतिहास जो है बहुत ही पुराना और प्राचीन इतिहास है। बड़े बड़े झील, सरोवर, कुएं, बावड़िए, बड़ी दीवारें, प्राचीन दीवारें, बड़े बड़े ऊंचे महलों पर सामग्री को पहुंचाना, गिट्टी, सीमेंट, पत्थर, ये सारा काम और समाज के द्वारा ही होता था। और आज हम देखें कि आज भी हम देखते हैं और समाज का कई इतिहास है और लोग चर्चाएँ करते हैं, राजसमंद की जो लोग हैं वो भी चर्चाएँ करते हैं कि और समाज का बहुत पुराना नाता रहा है। तो देखें सुंदर झील, हमारी मानव निर्मित जयसमंद, खूबसूरत, एशिया की सबसे खूबसूरत झील है ये। इनकी गोद में सुंदर झील का जो है दर्शन आप देख रहे हैं, सुंदर ये महादेव जी का मंदिर है। काफी देश विदेश प्रदेश गांव के पर्यटक यहाँ इस झील को देखने के लिए आते हैं। तो देखिए आप, जयसमंद की हर एक चीज़ यहाँ देखने को बहुत ही सुंदर अद्भुत तरीके से बनाई गई है। यहाँ का मैंने बताया था पिछली बार कि ये जो हाथी बने हुए हैं सामने, जब झील फुल भर जाती है तो इनके हाथी के पाँव के या जो है पानी आ जाता है, तो इस झील को फुल ओवरफ्लो माना जाता है कि फुल भर गई है। राजा महाराजाओं ने बहुत ही उस समय की कलाकृति आप देखें, जो कारीगरी थी बहुत ही ज़बरदस्त कारीगरी थी। उस समय भी इंजीनियर हुआ करते थे राजा महाराज। सामने उस पहाड़ी पे भी देख सकते हैं एक छोटा सा महल दिखाई दे रहा है। अब राजा महाराजाओं ने उस किस सोच के साथ उसका निर्माण किया गया होगा या वहाँ से दृश्य देखने के लिए बनाया होगा या अपने शिकार के लिए या वहाँ पिकनिक के लिए बनाया होगा, कुछ तो बात है। तो ये देख रहे थे आप मानव निर्मित एशिया की सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध मीठे पानी की झील जयसमंद झील, जो उदयपुर राजस्थान में स्थित है। इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बहुत गहरी झील है। और उदयपुर के शहर नहीं, पूरे उदयपुर शहर और आसपास के पूरे खेती के लिए सिंचाई का ये मुख्य सबसे बड़ी झील है जहाँ से जल आपूर्ति होती है। तो जल आपूर्ति की ये सबसे बड़ी झील है। तो हमारी सुंदर वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।